ना कोई ऐसा ध्यान देती है, कोई पॉलिसी बनाती है। सिर्फ महाराज गवर्नमेंट से हमको 50% सब्सिडी जो है पावर में मिलती है, पावर के बिजली बिल में, बस उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा चीज नहीं है जो सरकार की वजह से हमको पनपे। आज जरूरत ये है, अगर आप सही मानों में बुनकरों को मदद करना चाहते हैं तो जो बुनकर मकरूज हो गया है तो बिना ब्याज का अगर यार्न बैंक के जरिए से आपने दिया है, वैसे ही आसान तरीके से ज़्यादातर बुनकरों को दे दिया जाए। देखिए, अगर पावर लूम चलेगा तो इनडायरेक्ट शेतकड़ी को फायदा होगा, क्योंकि कपास यहाँ कॉटन का 70% पावर लूम कॉटन का चलता है, यहाँ पर रंगीन साड़ी चलती है, लुंगी चलती है और पापलिन का कपड़ा कैमरिक का जो कॉटन का रहता है वही चलता है। ये हम बहुत सस्ते में करते हैं। सर मेरी गुजारिश यही है कि आप जरा एकदम बारीक पीने, भिवंडी बम्बई से करीब होने की वजह से वहाँ पर कोई भी क्वालिटी चल जाती है, कोई भी बायर जो है ट्रेन से आ जाता है, प्लेन से आ जाता है, मालेगांव शहर में कोई बायर नहीं आता है। यहाँ हमको पाली बालोतरा के जो व्यापारी है 100 व्यापारी, वो जो हमको क्वालिटी देते हैं वही चला पाते हैं, दूसरी क्वालिटी हम नहीं चला पाते। अगर हमको दूसरा सेंटर मिल गया, दिल्ली का मिल गया और कहीं का मिल गया, कलकत्ता का भी हमारा सेंटर है, मगर वो जो क्वालिटी है, जैसे आपको एक न्यूज़ आए कि कुर्ता बना के बेच रहे हैं, NDTV की न्यूज़ है कि भाई कुर्ता जो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट लोग, वो $8.50 में दे रहे हैं और वही बांग्लादेश 6.25 इतने डॉलर में दे रहे हैं। अब $2 का डिफरेंस हो तो पहले बांग्लादेश का कपड़ा लिया जाएगा, हिंदुस्तान का कपड़ा नहीं लिया जाएगा। इसीलिए सरकार अगर पॉलिसी बनाई, इस जब हम कुछ ना कुछ तरक्की कर सकते हैं और हमको अगर आसान किस्तों से सडनलेस लोन, रिपेयर लोन, जो कुछ भी आप इस शहर को देना चाहते हैं, तो हम इंशाअल्लाह ताला इस शहर में आने वाले वक्तों में जितने भी सेंटर है, जैसे इचलकरंजी और भिवंडी, उससे ज़्यादा अच्छा और सस्ता कपड़ा तैयार कर सकते हैं, ऐसी हमारी उम्मीद है। और तुमसे गुजारिश ही है, आखिर में तो आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग ने इतने छोटे से शहर में आकर हमारी हौसला अफजाई के लिए ये मीटिंग तय की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बुनकर संगठनों की तरफ से और तमाम बुनकर तंजीमों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और अल्लाह का भी लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि कोई तो है जो हमारी सुनने आया है। शुक्रिया।